लाऊ मजा और मार हंकर से चमड़ी और तेरी खींच ले बदजुबानी की मुझसे। महारानी चांद का प्रणाम स्वीकार। देख रहे हो महामंत्री कुमार सिंह दानवीर छपरा माता जी के घाट पर भक्तों की असंख्य भीड़ है। क्या नहीं राजन, कितने श्रद्धालु आए हुए हैं और कुछ श्रद्धालु जगे हुए हैं और कुछ अभी सो रहे हैं। क्या नहीं महाराज, इससे पहले क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, सुबह मधुर वेला है और इस मधुर वेला में सर्वप्रथम माँ गंगे का आशीर्वाद कोई ले, महारानी चांद को स्नान करके माँ का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। क्यों नहीं महारानी चांद, आज्ञा करे ना गंगा जी में कोई स्नान करे, इससे पहले तो तुम स्नान कर लो। जैसी आज्ञा हो ना। रंघाणी और संघाणी, इससे अच्छा मौका हमें मिल नहीं सकता। चाहो महारानी चांद का कुछ देर के लिए दिमाग इधर उधर कर दो, ताकि महारानी चांद और महाराज एक दूसरे से अलग हो जाए। ये मुझको उससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है, ताकि मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचे जिस तरह से मैं तड़प रहा हूं। जाओ रंघानी संघानी, महारानी चांद का दिमाग थोड़ी देर के लिए फाट दो। अरे धानी संधानी, जाकर महारानी के दिमाग में ऐसी बात भर दो कि महारानी महाराज से कुछ पूछने पर विवश हो जाए। और रंधानी और संधानी, तुम दोनों यहाँ से महारानी के दिमाग में बातें भरकर शीघ्र मेरे पास लौटो और वहां से जाकर आप लोग बकरा और बकरी का वेश धारण करो। उसके बाद मैं बताएंगे कि तुम लोगों को करना क्या है। जाओ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। क्या कहना चाहती? मैंने सुना है कि कोई भी मनुष्य माँ गंगा के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलता, क्या ये बात सत्य है? हाँ हाँ प्रिय, ये सत्य है। लेकिन नाथ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपना मुझसे झूठ बोल रहा है? तुम्हारा अपना कोई तुमसे झूठ क्यों बोलेगा? हे नाथ, यदि कोई बात यहां पूछी जाती है तो लोग सत्य सत्य बताते हैं, ये बात सत्य है ना? हाँ हाँ प्रिय,
अगर ये बात सत्य है तो एक बात मैं आपसे करने वाली थी लेकिन भूल गई, सो मैं जल में आ गई हूं। और अगर इजाजत हो तो मैं यही से पूछ लूं। पूछो। और अभी आपने कहा कि कोई मनुष्य माँ गंगा के समक्ष झूठ कभी नहीं बोलता, ये सत्य है। तो आज मैं देखना चाहती हूँ कि लोग सत्य बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलो। तो प्रीतम प्राणी आधार मेरे और विराट नगर सम्राट और चांद जगे कुछ पूछना और प्यास से गंगा से गंगा घाट कौन वरदान देवी से पाया। उस दिन माँ चंडी के दरबार में कौन सा वरदान पाया है और पिया से गंगा घाट कौन वरदान देवी से पाया। और क्या कह रहे था स्वामी जो मंदिर में नहीं बताया। गंगा के समक्ष कोई झूठ नहीं बोलता तो पाप बसा स्वामी तेरे मन में और भेद है मुझसे छुपाया। पाप बसा स्वामी तेरे मन में और भेद है मुझसे छुपाया। और कसम तुम्हें है माँ गंगा की और भेद सभी बतीला। माँ गंगा के समक्ष झूठ नहीं बोलता तो तुम्हें इस पावन माँ गंगा की सौगंध है, मुझे वो राज बताएं जो महाराज आपको माँ चंडी ने कौन सा वरदान दिया मंदिर में। क्योंकि उस समय जब मैंने मंदिर में तुमसे पूछा तो आपने कहा प्रिय चांद समय आएगा तो बता देगी, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि वो राज मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा है। जब तक उस राज को नहीं जान लूंगी तब तक जल से बाहर नहीं आऊंगी। और हाँ, अगर राज छुपा कर रखा और सत्य सत्य ना बताया तो कसम मुझे माँ गंगा की मैं इसी जल में डूब कर अपनी जान दे दूंगी, वापस तुम्हारे साथ विराट नगर नहीं जाऊंगी। महारानी चांद, माता जी ने मुझसे क्या कहा है? क्या कहा? मैं तुम्हें अवश्य बताता प्रिय, लेकिन माता जी ने मुझसे कहा है कि अरे महाराज चंद्रदेव, जो बातें मैं तुमको बता रही हूं
अगर किसी को बताया तो उसी वक्त तेरी मौत हो जाएगी। प्रिय, अगर मैं तुमको बताता हूं तो मेरी मौत हो जाएगी। महाराज, ऐसा कौन सा राज है जो आप बताने से इनकार करते हैं? मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं माँ के बचनों का पालन कर रहा हूं। कुछ भी हो जाए, आप चंडी माँ का आज्ञा का पालन करें तो ठीक है, ना बताएं। और मैंने अभी अभी तुम्हारे समक्ष माँ गंगा की सौगंध खाई है, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो और मैं गंगा जी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। या तो राज बताओगी या तो मैं जान दे दूं। महारानी चांद, ये जानते हुए भी कि मैं उस बात को बताऊंगा तो मेरी मौत हो जाएगी। कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे तो सिर्फ वो राज जानना है। ठीक है, अगर तू यही चाहती है कि तेरे जीते जी में मर जाऊं तो ठीक है, मुझे माँ गंगा की सौगंध, जल से बाहर आ, मैं तुझे एक एक बात बताऊंगा कि माता जी ने मुझसे क्या कहा है। सच बताएंगे लाल? नालायक औरत, दुनिया में औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, पूजा करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। और तू कैसी औरत है जो ये चाहती है कि तेरे जीते जी तेरा पति मर जाए? आ, जल से बाहर आ। तू यही चाहती है तो मैं अवश्य बताऊंगा। सच बताएगी? हाँ। ठीक है राज, मैं किसी का भी हूं। मुझे वो राज बताए जिस राज के लिए मैं परेशान हूं। अवश्य बताऊंगा। हे बकरा, है बकरी, क्या हुआ? देखते हो? अरे महाराज, मुझे राज बताएं। महाराज कितने अच्छे हैं, जो कि महारानी के कहने पर अपना सारा भेद बताने जा रहे हैं, जब भी जानते हैं कि अगर ये भेद बताऊंगा तो मैं उसी क्षण मृत को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन महाराज बहुत अच्छे हैं, महारानी को अपना सारा भेद बताने जा रहे हैं। ये अचानक क्या हो गया महाराज? हे बकरी, मैं वो महाराज नहीं, अगर महाराज की जगह मैं होता तो मैं तुझे अपने सींगों से मार मार के बाहर निकाल देता, लेकिन अपना भेद तुझसे कभी नहीं बताता। या बकरी, तू यहां से निकल जा। समझ गया? क्या समझ गए? मैं समझ गया, बकरा और बकरी। बकरा और बकरी, तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? अरे महाराज, या कोई बकरा बकरी नहीं है। तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दिया, मेरी आंखें खुल गई। हेलाद, ये आप क्या करें? मुझे वो राज बताए। नालायक औरत, जब तू अपने जीते जी मुझको मार दिया, ये कैसी बातें कर रहे? तो मैंने भी जीते जी तुझको मार दिया। अब मेरा तेरा संबंध नहीं हो सकता। आखिर मेरी गलती क्या है राजन? तेरी सकल से नफरत हो गई है मुझे।
और नचीते जिंदो हो लब मदन को तुम्हार जन्म का तूने बदला लिया है, ये किस जन्म का तूने बदला लिया है, और लिया छीन सुख चैन तूने करत सभी सबक को नाथ हो रही सामी दी से तारे से महल छोड़ कर तुमको अब जाना पड़े महल छोड़ कर अब तुमको जाना पड़ेगा और नहीं तो तुझे मार खाना महामंत्र मैंने कहा क्या आखिर मैंने कुछ कहा भी नहीं मेरे ये महारानी के काबिल नहीं है क्या नहीं राजा जो औरत
अपने पति की नहीं हो सकती। विराट नगर की क्या होगी राजन? महाराज तो साहब भी अभी सोचता था यही शाह में भी या किसी तौर रानी के काबिल नहीं, बांध कर मुश्किल भी है मैं छोड़ू इसे ताकि इसको मिले कोई। जब पत्नी अपने पति का न हुई इस गरीब विराट नगर की चर्चा का क्या हो गया? नहीं हो सकती। क्या आदेश है राजन? इसके शाही वस्त्र को उतरवा लिया जाए और इसके हाथों में हथकड़ी डालकर इसकी आंखों में पट्टी बांधकर इस विराट नगर सीमा सरहद के बाहर फेंक दिया जाए। जरे एक बार सोचो, एक बार सोचो, फैसला करने से पहले एक बार जरा सोचो कि मैं इस समय कहां जाऊंगी। जानू मैं चली जा, तुम्हें पता नहीं है, आपको पता नहीं है इस समय तुम मुझे घर से निकाल रहे हो, क्योंकि इस समय मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली। शायद किसी शायर ने ठीक ही कहा है, अभी तक तो तुमने कभी नहीं बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की, तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। किसी शायर ने शायद ठीक ही कहा है, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, और खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। सोच लो राजन। मैंने सोच लिया, तू झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अपने मार्ग में पड़े सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली। मां मंत्री कुमार सिंह मेरे हुक्म का पालन। ये आपका आखिरी फैसला है।